हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप आप सब लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और हेयर आई एम विद एन अनदर वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखने की कोशिश करते हैं कि आप अगर किसी तरीके का कोई भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं या फिर अगर आप कोई भी प्रेयर कर रहे हैं, तो वो प्रेयर, वो मैनिफेस्टेशन कितनी हद तक आपके पार्टनर के पास पहुँच रहा है। अगर पहुंच रहा है तो क्या हो रहा है, अगर नहीं पहुंच रहा है तो क्या हो रहा है, ठीक है। अगर पहुंच रहा है तो और कुछ अच्छा हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर नहीं पहुंच रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, दोनों ही चीज़ें देखेंगे आज। और अगर आप लोग नए आए हैं आज इस वीडियो के अंदर, इस चैनल के ऊपर, सो मस्ट लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ दिस वीडियो विल रेजोनेट विद यू। एंड गाइस, किसी भी तरीके के पर्सनल पेड व्हाट्सएप सेशंस के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर तक आपकी बातें पहुँच रही हैं या नहीं पहुँच रही हैं, आपकी प्रेयर्स उन तक जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। टू ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल जो चाह रहे हैं कि मैं जल्द से जल्द पिक अ कार्ड बनाऊँ, तो फॉर दोज पीपल मैं आपको बोलूँगी कि जल्द ही मैं पिक अ कार्ड लेकर आऊँगी। दिस इज़ एन कलेक्टिव रीडिंग। पिक अ कार्ड मैं अभी इसलिए नहीं ला पा रही हूँ बिकॉज आई एम नॉट वेल, ठीक है। तो जल्द ही, लाइक जल्द ही, आज मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ, जल्द ही मैं आप लोगों के लिए पिक अ कार्ड लेकर आ पाऊँगी, ठीक है। चलिए, अगर आप लोगों से रेजोनेट करे वीडियो तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ओके। ये वाला लिख के बॉटम ऑफ द डेक एम्परर का कार्ड है, ओके। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। एक चीज़ अगर मैं आप लोगों को क्लियर तरीके से बताऊं, देखो मैं ना 70 बिलों में घुस के बात करना पसंद नहीं करती हूँ, क्लियरली बताऊं तो अगर आप लोग तहे दिल से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो वो चीज़ पहुँच रही है, ठीक है, वो चीज़ पहुँच रही है। हाँ, कई कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को कुछ अच्छा देखने को ना मिलता हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो जैसे कि सब जगह तो अंधेरा है, एंड आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग, लाइक मुझे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है, एंड आई एम ब्लैंक, टोटली ब्लैंक, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि सब जगह अंधेरा है और आपको कुछ भी दिखने नहीं वाला है या आपकी ज़िंदगी में कुछ होने नहीं वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। द थिंग इज़ कि आप उस चीज़ को किस तरीके से ले रहे हो, ओके, आपकी मैनिफेस्टेशन पहुँच रहे हैं। अगर मैं ये फोर कार्ड्स देखूँ, हम इसको भी कंबाइंड करें, अगर मैं ये फोर कार्ड्स देखूँ तो माई ब्यूटिफुल एंड हेल्दी पीपल, अब मैं हेल्दी वर्ड जोड़ने वाली हूँ, सो माई ब्यूटिफुल हेल्दी पीपल 60-70% पीपल के साथ ऐसा हो रहा है कि आपके पार्टनर तक आपकी आवाज़ पहुँच रही है, ठीक है, डेफिनेटली वो चीज़ पहुँच रही है, ठीक है, तड़प से रहे हैं वो अंदर ही अंदर। और रेस्ट जो आपके बच गए हैं 30 और 40% पीपल जो है, उन लोगों के लिए मैं क्लियरली बोलूँगी कि अभी आपको थोड़ी सी मेहनत और करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो पहले हम उन लोगों की बात कर लेते हैं जिनके पर्सन की तरफ उनकी बातें पहुँच रही हैं, प्रेयर्स पहुँच रही हैं, ठीक है। गाइज, दे आर मिसिंग यू, ठीक है। मिसिंग के साथ साथ वो कोई ना कोई पैतरे लगा रहे हैं दैट हाउ दे विल गिव यू सम काइंड ऑफ कमिटमेंट, सम सॉर्ट ऑफ प्रपोजल्स, किस तरीके से वो आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। उनके जहन में, उनके दिल में ये चीज़ अंदर तक उतर चुकी है कि इस रिश्ते को बचाने के लिए आई हैव टू डू समथिंग, ठीक है। और अब अगर मैंने कोई एफर्ट नहीं लिया तो ऐसा ना हो जाए कि बहुत ही ज़्यादा देर हो जाए, ठीक है, इतनी देर हो जाए कि चीज़ें स्टेबल ही ना हो पाए फिर, ओके, उनके दिमाग में ये चल रहा है।
और कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। उनको ऐसा भी लग रहा है कि किस तरीके से इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, किस तरीके से इस ये जो सिचुएशनशिप इतनी बड़ा बखेड़ा सा खड़ा हो गया, इस चीज़ को ख़त्म किया जाए और आगे बढ़ा जाए, ठीक है। दे आर फीलिंग सो अलोन, उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशन के ऊपर भगवान की छत्र छाया ज़रूर है, ठीक है। भगवान ज़रूर देख रहे हैं इस रिलेशन को और ऑफकोर्स वो इस रिलेशन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कुछ कार्ड्स और देखते हैं आप लोगों के लिए फ्रॉम द डिफरेंट डेक, ओके। कुछ कार्ड्स और देखेंगे हम। उसके पहले ना मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ गाइस, क्योंकि एनर्जी इधर उधर होना मैं नहीं चाहती कि रीडिंग में उस चीज का फर्क पड़े। ठीक है, चलिए। आप लोगों को भी कभी अचानक से बहुत ही बुरा सा महसूस हो, या अचानक से आपको लगे कि बहुत अजीब सा ही महसूस हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, और आप अफर्मेशन वाटर अभी नहीं बना पा रहे हो क्योंकि सभी आपके आसपास है, सो हैव सम वाटर, ठीक है। हैव सम नॉर्मल वाटर, चिल्ड पानी नहीं, चिल्ड एकदम कूल वाटर नहीं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला पानी, ठीक है। आपको इंस्टेंटली बूस्ट मिलेगा, ओके। ये कार्ड्स नहीं लेंगे, मैं खुद निकालूंगी। टू ऑफ पेनिकल्स इन रिवर्स, आई एम टेकिंग रिवर्सल्स क्योंकि अभी तबीयत थोड़ी मेरी ऐसी ही है, तो मैं अपनी एनर्जीज पे नहीं, इम्पॉर्टेंटली आप सब लोगों की एनर्जीज के ऊपर डिपेंड कर पा रही हूँ, ठीक है। तो देखो, टू ऑफ पेनिकल्स, देन व्हाट वी हैव एस ऑफ पेनिकल्स, शाबाश। एस ऑफ पेनिकल्स के नीचे एस ऑफ पेनिकल्स देख रहे हैं आप, ये वाला कार्ड लेंगे। पेज ऑफ कप्स एंड वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड, ये वाला ले लेते हैं, नाइन ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास क्या है, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एट ऑफ वांड्स। सो कैन यू सी अ पैटर्न गाइस, अगर आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं, वीडियो ध्यान से देख रहे हैं, तो अगर आप लोगों ने रिलेट किया हो इस चीज से, आपके जो पर्सन है ना जिन तक आपकी प्रेयर्स पहुंच रही हैं, वो अब दो चीजों के बीच में झूल नहीं रहे हैं, ठीक है। वो अब दो चीजों के बीच में, दो सरकमस्टेंसेस के बीच में नहीं झूल रहे हैं, दे आर रियली वेरी श्योर अबाउट दिस रिलेशनशिप एंड दे ऑल्सो फोकसिंग ऑन देयर करियर, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा अपने करियर के ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव महसूस करते रहते हैं। मे बी हो सकता है इनको रात रात भर नींद ना आती हो, इनको ऐसा लगता हो जैसे कि चीज़ें ख़त्म सी हो गई हैं, इसको कैसे दोबारा स्टार्ट करूं, ऐसा क्या है जो मैं जितना दूर जाने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट स्टिल आई एम ऑन दैट पॉइंट, ऑन दैट पाथ, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस फीलिंग। उनको ऐसी फीलिंग आ रही है कहीं ना कहीं, एंड दे आर मच टायर्ड ऑफ दिस फीलिंग। उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें स्टक हो गई हैं, पता नहीं कब सब सही होगा, कब मैं जा करके उसको प्रपोज कर पाऊँगा, उसको कमिटमेंट दे पाऊँगा, एंड ही और शी इज़ टोटली डिप्रेस्ड, टोटली डिप्रेस्ड। लेकिन अब उन्होंने एक मन बनाया है, अगर यहाँ पे टोटली डिप्रेशन के साथ साथ थोड़े नेगेटिव चीज़ें होती तो हैंग्ड मैन आ जाता, बट द थिंग इज टू ऑफ पेनिकल, अब उन्होंने ना भटकना बंद कर दिया, अब उन्होंने वो भी रिवर्स में है कार्ड, तो अब उन्होंने ना ऐसे ऐसे जगल करना बंद कर दिया, ना थर्ड पार्टी और आपके बीच में जगल करे ना कुछ। आपके प्लेयर्स काफ़ी अच्छा कमाल कर रही हैं, ठीक है। एंड दिस पर्सन ऑल्सो वॉन्ट्स टू टॉक यू, ठीक है। एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टॉक यू, इनके दिमाग में है कि यार बस अब बहुत हो गया, आई हैव टू टॉक विद देम एंड मेक श्योर कि अब आगे क्या करना चाहिए, ठीक है। सो दे आर ऑन अ राइट पाथ, यू आर ऑन अ राइट पाथ, वॉट यू हैव टू डू नेक्स्ट, यू हैव टू जस्ट वेट फॉर दिस पर्सन, हैव सम फेथ, हैव सम पेशेंस। ज़्यादा से ज़्यादा आपने क्या करना है, जब भी नेगेटिव आपको, अब देखना एक बात मैं आपको बता दूँ गाइज,
हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो या सोलमेट्स हो या फिर कार्मिक सोलमेट्स हो। जल्दी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, जल्दी शेयर करूंगी व्हाट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कार्मिक सोलमेट एंड सोलमेट। ठीक है, जल्द ही शेयर करूंगी आजकल में। तो एक्चुअली ये हाँ मैं बता रही थी कि अब पता है आगे क्या होगा आप लोगों के साथ। कोई ना कोई आकर के आपको भड़काने की कोशिश करेगा कि अरे यार वो बंदा वो बंदी तो ऐसे 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 कर रहे थे। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ में ना ऐसा नेगेटिविटी सा महसूस हो, आपको आपको अंदर से लगना शुरू हो जाए यार पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ होगा भी नहीं होगा, उस वीडियो में तो ऐसा देखा था, उस वीडियो में तो ऐसा देखा था, वहां ऐसे वो ये वो फलाना, मतलब इतना घूमोगे ना अभी आप हद वाला। क्यों? क्योंकि जब भी रियूनियन होने के चांसेस आ जाते हैं, जब भी आपकी प्रेयर्स आप मैनिफेस्ट अपने मैनिफेस्टेशन के बहुत ज्यादा करीब होते हो, तो आपके साथ यही होता है। ठीक है, यही होता है गाइस आप लोगों के साथ, दैट यू आर नॉट अवेयर अबाउट एनीथिंग। वही वाली बात है कि पौधा लगा दिया है और हमें नहीं पता मिट्टी के अंदर क्या हो रहा है, वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट ना। हम लोग क्या सोचना शुरू कर देते हैं यार पता नहीं लगा भी है नहीं लगा है क्या नहीं है। सो द थिंग इज अभी बहुत सारे टेस्ट आएंगे आपके, आपको उन टेस्ट में पॉजिटिव रहना है, जा करके अपने पार्टनर के पास चू चपड़ नहीं करनी है, मैं क्लियरली बता रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, मैं अपने स्तर पर सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। डोंट गो एंड ट्राई टू मेक सम कॉल और मैसेजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, हैव सम फेथ, वो खुद करेंगे। ठीक है, रही बात आपने जा करके कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं सोचना, कुछ कुछ नहीं करना है, जब भी आपको नेगेटिव फील हो हैव सम अफर्म वाटर। नहीं पता है कैसे बनाते हैं, गो ऑन द इंस्टाग्राम, मैंने वहाँ पे डाला हुआ है, लिंक इज द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ जा करके आप लोग चेक इन कर सकते हैं कि कैसे बनाना है और कैसे लेना है। ठीक है, जल्दी मैं वहाँ पर आप लोगों से मून वाटर भी शेयर करूंगी। अब की बार जब कोई पूर्णिमा और कोई न्यू मून आएगा तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी कि मून वाटर कैसे बनाएं और उसको स्टोर कैसे करें और उससे बेनिफिट्स कैसे लें। ठीक है, तो बहुत करीब हो आप लोग, थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा पॉजिटिव सोचो अपने बारे में। ठीक है, तो ये था उन लोगों के लिए जो लोग अपने यूनियन के काफ़ी करीब हैं। ओके, अभी जाइए मत, अभी हम चेक करने की कोशिश करते हैं फॉर दोज पर्सन जिन लोगों के लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था, जो अभी भी नेगेटिव सोचते रहते हैं और जिनको नहीं पता व्हाट टू डू एंड करना क्या चाहिए इस रिलेशन के बारे में। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं गाइज आप लोगों के ब्लॉकेजेस क्या हैं। ठीक है, क्या ब्लॉकेजेस आपके आ रहे हैं? जिन लोगों के मैनिफेस्टेशन, जिन लोगों का फर्स्ट वाला जो सिनेरियो, ये पिक कार्ड जैसा नहीं हो गया, जिन लोगों का फर्स्ट वाला सिनेरियो अगर रेजोनेट हुआ है, स्टिल वॉन्ट्स टू नो अबाउट द ब्लॉकेजेस, देन आप लोग कंटिन्यू देख सकते हैं। ठीक है, ओके, सो द थिंग इज अगेन देखो, पेज ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। सबसे बड़ा ब्लॉकेज पता है क्या है आपका? बॉटम ऑफ द डेक हर्मिट। सबसे बड़ा ब्लॉकेज है आप लोगों का नेगेटिव थिंकिंग, या कह लो कि ओवर थिंकिंग। हर वक्त हद सोचते रहते हो आप लोग, हद, लाइक लिटरली बोलो तो टू ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, हर वक्त सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, सोचते ही रहते हो, क्या होगा, कैसे होगा, सही होगा, नहीं होगा। टेन ऑफ सोर्ड्स, बर्डन फील करते रहते हो, भाग भाग के जा करके उनको मैसेज कर देते हो, उनको कॉल कर लेते हो, वो ठीक से जवाब नहीं देते हैं या फिर आपको कुछ और ही पता लगता है। ठीक है, तो आप क्या सोचना शुरू कर देते हो, हाय राम मेरी तो जिंदगी खराब है। लिटरली लोग इसी तरीके के अफर्मेशंस देते हैं खुद को, अपने आप को, लाइक इस तरीके से कोच देंगे, मेरी तो जिंदगी खराब है, मेरे साथ तो ये हो रहा है, मेरे साथ तो वो हो रहा है। दिस इज द बिगेस्ट ब्लॉकेज, कि आप इतना सोचते हो कि आप दुखी हो जाते हो एंड यू आर टायर्ड टू मेक सम मैसेजेस, कॉल टू देम। जैसे ही मैसेज कॉल आप करते हो, आपको कुछ ऐसा नेगेटिव सुनने और समझने को मिलता है कि आप अपनी, एक कहते हैं ना, स्मरण शक्ति होती है आपकी, जो मेमोरी, आपकी जो एक पावर होती है, वो आप सब डिस्ट्रॉय कर देते हो। यू डिस्ट्रॉयड योर सेल्फ, यू डिस्ट्रॉइंग योर लाइफ, कुछ मैनिफेस्ट नहीं होता है और ना ही आप अपने करियर के ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहे हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स, हर वक्त टोटली सोचते रहते हो और सोचते रहते हो,
एंड यू आर नॉट गेटिंग द गुड आइडिया, आपको नहीं समझ में आ रहा वॉट टू डू नेक्स्ट, ये तो बहुत गलत है ना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है गाइस, ठीक है? सो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, अच्छा सोचने की कोशिश करो, डोंट थिंक कि कुछ अच्छा होगा नहीं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि कुछ अच्छा नहीं होगा। नाउ लेट्स चेक कि क्या हो सकता है। टेन ऑफ वॉन्ड्स, पहले तो आप अपने इस बर्डन कंडीशन से बाहर आओ, ठीक है? सबसे पहले तो आप इस बर्डन कंडीशन से बाहर आओ, अगर आप इस बर्डन कंडीशन से बाहर नहीं आओगे मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाएगा, गॉट इट? आप लोगों ने क्या करना है आज से ही ना, सुबह 11 बार, दोपहर में 11 बार, या फिर रात को 11 बार, कभी भी इन टाइम में से, सुबह उठने के तुरंत बाद, रात को सोने से तुरंत पहले, या फिर दोपहर में खाना खाने से पहले, आपने 11 टाइम्स गायत्री मंत्र पढ़ना है। और जब भी कोई भी आपके पार्टनर, अब आपको ना अपने पार्टनर के जो भी थॉट्स आते हैं उनको लेट गो करना है, इग्नोर करना है, ठीक है? तो जब भी आपके पार्टनर का कोई थॉट आपके पास आता है, व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट हैव सम अफर्म वाटर एंड लेट गो कर दो, गॉट इट? तो ये करना शुरू करो, सबसे पहले आप लेट गो करो, देन आप किसी भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक पे जाओ। अगर आप लोग पहले ही जंप ऑन कर जाते हो मैनिफेस्टेशन टेक्निक पे, तो आपका ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भी भरोसा नहीं रह पाता है, ओके? सो ट्राई टू डू सम दीज टेक्निक्स, देन आप लोग जो है इस नेगेटिव ऑरा से बाहर आ पाओगे, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्लीज़ बहुत सारा ध्यान रखिएगा और खुद से बहुत सारा प्यार कीजिएगा, ओके? बाय।